प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर लास्ट के तीन क्वेश्चन 12th, 13th, 14th आप पढ़ सकते हो पॉज करके। इनको बोर्ड पेपर क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं और उसके बाद का सॉल्यूशन बता रहा हूं। यस प्यारे बच्चों, 12th, 13th एंड 14th और बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं पहले हर बार कहता हूं सबको, इफ हाइट अबव द क्वेश्चन 12 फर्स्ट, इफ हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20% लेस देन दैट ऑन द सरफेस इज दिस, यानी किसी एल्टीट्यूड पे आपको ग्रेविटी निकालनी है जिसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाल दो आराम से, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर जी का फॉर्मूला जी 1+H/RE होल स्क्वायर, एच इज द हाइट अबव सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ 1+RE होल स्क्वायर एंड दिस, उस एच एल्टीट्यूड पर ग्रेविटी सरफेस की ग्रेविटी से 20% लेस है, यानी 80% बची हुई है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आपको एच की वैल्यू निकालनी है, इसको एक्स कह रहा हो तो अभी एक्स लिख सकते, इसको एक्स कह रहा है। नहीं सॉरी, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एच हाइट पे ग्रेविटी इतनी कह रहा है तो जानना चाह रहा है, इफ हाइट अबव द दिस 20% लेस इज दिस, ये हाइट हमें निकालनी इस फॉर्मेट में, पहले हम कुल मिला हाइट निकाल लेते हैं बस, दिस कैंसिल, जीरो कैंसिल, 2 से काट के 4/5, रेस्ट पकड़ कर दो, 1+H/RE होल स्क्वायर इज 5/4, स्क्वायर रूटिंग 1+H/RE इज इक्वल टू √5/2, एस निकालना है, सो H/RE √5/2-1, सो एच इक्वल टू आर ई, को आर ई कह रहा है क्वेश्चन में, √5/2-1, इतने हाइट पे ये काम होगा, वो कह रहा है ये हाइट √x/2-1 × r, सेम फॉर्मेट आ रहा है, इसकी जगह उसने x लिखा हुआ, x वैल्यू जानने के लिए कह रहा है, x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल बेहद से भी ज्यादा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी 3/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, आर विद द रेडियस ऑफ अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ गिवेन है, वो हमें निकालना है।
आर रेडियस ये फेंक दिया गया, मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। एक मिनट, कुछ मन किस जागे थे, कैप वेलोसिटी होती है उसे 3/4 से फेंका गया, कितनी हाइट तक हो जाएगा? इस कैप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से अंडर रूट 2gr ये होती है। इसके 3/4 पार्ट से थ्रो किया गया, तो यहां तो एक ही बात है बस, टोटल एनर्जी जीरो रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू ये से एच ये फाइंड करनी, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ मैक्सिमम हाइट एच निकालना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपीई इनिशियल या फाइनल वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपीई इनिशियल, सिंपल फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और माइनस जी एम एम इसका मास एम इसका मास एम मान लीजिए जो यहां पहुंच जाएगा अपॉन आर, तो यह हो जाएगा आर प्लस एच फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu² 9/16 इज अंडर रूट 2gr, ओके 9/16 और अंडर रूट जाएगा उसका 2gr, और जीबी माइनस जी एम एम अपॉन बेस इनिशियली आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस ये है और हमें ये एस नहीं आता केवल एस के बाद, तो इसको प्लस कर दो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस कर दिया साइन चेंज दो साइड तो प्लस हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर और ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल 9/16 mgr 9/16 mgr gm is equal to gr square into m upon r plus h gm gr square m अपॉन आर माइनस 9/16 mgr आर से आर कैंसिल एम जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू कॉमन आ जाएगा स्मॉल एम और आर एम आर कॉमन एक आर कट गया था ना तो बचेगा जी सॉरी स्मॉल जी ना जी एम इज टू जी आर इज स्मॉल जी तो एम जी आर पूरे कॉमन आ गया एम जी आर पूरे कॉमन आ गया तो बचता है यहां से 1 - 9/16 एम जी और एक आर कैंसिल एम जी आर आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 16 - 9 7/16
7R plus 7H is equal to 16R. 7H is equal to 16R minus 7R, 9R. So H is 9R by 7. और वो कह रहा है दिस हाइट शुड बी के आर अपॉन 7. के आर अपॉन 7. के इज इक्वल टू 9 इज द आंसर. बस करने करना सिंपल था, केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करनी थी और कुछ नहीं. एंड ऑन लास्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन. Fourteenth question. A satellite is placed in a circular orbit of radius 1 upon 4th radius of geostationary satellite. Its हालांकि geostationary satellite की surface से 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस होती है, अगर जरूरत पड़ी तो देखते हैं इसको. Its time period of revolutions around Earth is k hours. इसमें आप उससे कैपलर्स लॉ से कर लीजिए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. सो T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट स्क्वायर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आफ्टर डिवाइडिंग कैंसिल, R1 अपॉन R2 होल क्यू. अगर गिवेंस का टाइम पीरियड जानना चाह रहा है वो, और जीएसटी सेटलाइट का होता है 24 घंटे, 24 घंटे पूरा चक्कर काट लेती है अर्थ के साथ साथ, तभी वो अर्थ के एक खास प्लेस के ऊपर ही रहता है. ऊपर हम सेटेलाइट की बात करें, नीचे जीएसटी सेटेलाइट की बात करें. तो जियोस्टेशन सैटेलाइट की जो रेडियस है ऑर्बिट उसकी 1/4. एंड 1/4, 464 स्क्वायर करना भरा जा सकता. टी बाय 24 इज इक्वल टू 1/4 हो जाए, बस आर कैंसिल हो गया और 3/2, या पहले 1/2 करते हैं फिर 3, तो 1/2 जाएगा. टी बाई 24 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब 1/8, 8 + 24, 3 hours. वेरी सिंपल. तो तीनों ही क्वेश्चन इस वीडियो के बिल्कुल सिंपल थे एकदम, परंतु ये कॉम्पिटिशन लेवल के थे. इसका अर्थ ये हुआ ग्रेविटेशन से जो कॉम्पिटिशन में आएगा ऑलमोस्ट बहुत आसान ही आएगा. सारे कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड एट डेप्थ सब क्लियर हो, तो क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा. ओके.